हेलो दोस्तों, वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत। आपको बताते चले कि ये वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत कोलकाता ने एक प्रोग्राम रखा था, सम्पोजन रखा था मुल्ला जान मरहूम के नाम से, जो 125 साल उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया वेस्ट बंगाल मजलिस मुशावरत की जानिब से। आपको बताते चले कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे और सामीन की तादाद जो है काफ़ी तादाद में थी, इतनी तादाद हो गई कि हॉल छोटा पड़ गया, हॉल में बैठने का जगह कम हो गया। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। मुल्ला जान मोहम्मद के 125वीं यूम पैदाइश के मुताबिक आज एक सम्पोजन का किया गया ईरान सोसाइटी में, जिसकी सदारत डॉक्टर अहमद हक ने किया। मुल्ला जान मोहम्मद एक सामाजिक खिदमतगार थे, कौम का खिदमत किया करते थे, वो जो है सामाजिक कारकुन थे और कलकत्ता के मुल्क में जो है काफ़ी सामाजिक काम करके गए हैं, जो कि आज नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है। जैसे कि कलकत्ता मुस्लिम यतीम खाना, इस्लामिया अस्पताल, कलकत्ता खिलाफत कमेटी, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और मोहम्मद स्कूल क्लब ऐसे हैं जो इसमें जो है मुल्ला जान मरहूम ने काफ़ी काम किया था। सन 1964 के राइट हो या किसी तरीके का, इनकी एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि बाद में बताया जाएगा आपको, बाद में पूरी उसकी तफसील बताएंगे। आपको बताते चले ये जो तकरीब हुआ था मुल्ला जान मरहूम का ईरान सोसाइटी में मुस्लिम मजलिस मुशावरत वेस्ट बंगाल की जानिब, कोलकाता की जानिब से, तकरीब का आगाज़ जो है खुर्शीद आलम नदवी साहब ने तलावत कलाम पाक से किया, जिसमें जो है मगरब बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत मंजर जमील साहब सेक्रेटरी जनरल ने अपना तारुफ पेश किया। उसके बाद तकरीर नासिर अहमद साद, ख्वाजा जावेद यूसुफ, जमाल अहमद जमाल, डॉक्टर मंसूर आलम मलिक, मोहम्मद इसहाक, मौलाना अबू तलहा बिन अबू सलमा और एडिटर इन चीफ इकबार मशीक, जावेद अहमद खान इज़्ज़त मात वज़ीर बराए फायर सर्विस हकूमत मगरब बंगाल। आपको बताते चले जावेद अहमद खान सदर कलकत्ता खिलाफत कमेटी, मिनिस्टर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस वहाँ पे मौजूदगी हुई थी और एक किताब का भी इजरा किया गया। वो सम्पोजन का इख्तामी सी तकरीर के साथ हुआ। ख्वाजा इफ्तखार यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और इख्तामी जो हुआ ख़त्म हुआ, मंजिल साहब ने दुआ की। मुल्ला जान मोहम्मद की ज़िंदगी के काम के बारे में एक किताबचा भी जो है मोहतरम वज़ीर और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर पे एक जो है इनॉग्रेशन किया गया और तमाम हाजरीन में वो किताब जो है पेश किया गया, इफ्तिताह किया गया था उस किताब का। आसिम शाहनवाज सिबली साहब ने जो है प्रोग्राम का एंकरिंग की और इन तमाम लोग, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे। आइए सुनते हैं कुछ झलकियाँ, कुछ बातें जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जानिब से किया गया था। मैं मोहम्मद जावेद खान, जे के वी, कोलकाता न्यूज़। जनाब इल्म के बहुत ही बड़े माहिर जनाब मंसूर आलम साहब और हमारे बहुत ही पुराने, क्या बोलते हैं उसको, बेल विशर, जो चीज मुझे मिल चुका है बखुदा मैं कह रहा हूँ। हमेशा मैं अपने बड़े भाई को कहता था कि मगरबी बंगाल के अंदर कोई मुसलमान लीडर नहीं है तो खड़े होकर मुसलमानों के लिए, मिलत के लिए कुछ कहे। वो आज मुझे मिल गया है, वजीर मगरबी बंगाल जावेद अहमद खान, और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्ला जान के दूसरे रूप में नजर आएंगे। हम आपके पीछे हैं, आप हमारे मिल्लत के रहनुमाई करें, इंशाअल्लाह आपको वो मुकाम मिलेगा जो किसी को भी नहीं मिला। अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमा। मुल्ला जान को हम लोग सिर्फ रोड तक महदूद नहीं करेंगे, हर जगह उनका आगे बढ़ा देंगे। अबुल कलाम आज़ाद को भी भूल गए हैं, मोहम्मद अली जौहर अली को भी भूल गए हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन लोगों ने नुमाया कारनामा किया था, आज 93,000 का नाम इंडिया गेट में है, उसमें 63,000 मुसलमान हैं, हम सबको भूल गए हैं। और ये नया एक सोच पैदा हुआ कि अपने लोगों को याद करने, और आज मजलिस मुशावरत वेस्ट बंगाल के लोगों को, जो उनके कायदीन हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम लिया है। कम से कम जोश पैदा किया कि अपने लोगों का भूलिए मत, उनको आगे लेकर चले। मैं उनको खैर तहसीन देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये काम उन्होंने किया, ये काम हम लोगों को करना चाहिए। मुल्ला जान के ज़रा बराबर भी कोई नहीं हो सकता है, वो जावेद खान हो या कोई खान हो, कोई नहीं हो सकता। वो जो करके गए हैं वो हम लोग
हौसला बढ़ा सकता है, लेकिन उसके मुकाबला हम लोग नहीं कर सकेंगे, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग ये सलाहियत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो जो किए हैं उसका 1% भी हम लोग कर ले तो हम लोग सभी कामयाब हो गए। आ रहे हैं और अभी तकरीबन 20-30 डॉक्यूमेंट्री बन गया, बाकी भी और बन रहा है। हम लोग हर एक मुस्लिम जो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कौम में, उसके बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री बन रहे हैं। देखिए, आज अगर तवारीख से हम लोगों ने सबक नहीं लिया और आज के प्रेजेंट दौर में हम लोग ने अरब और इसराइल हमास का और इसराइल की लड़ाई का हम लोग उससे कोई सबक नहीं लिया, तो वहाँ जो हो रहा है आपका इससे बदतर हाल होगा। आज हर जगह होगा, चाहे हिंदुस्तान हो, कलकत्ता हो, जगह आप अगर आप में वो कुव्वत है, वो पेशेंस है और आप में अगर सोच है कि कौम के लिए कुछ करना है, तो सर सैयद को कोई पीछे नहीं हटा सका, गाली फेंक कर चप्पल फेंक कर भी। आज उस तरह आपको सोच बनाना होगा तो आप भी बन सकते। ये पहली दफा कलकत्ते में उनके इंतकाल के 50 साल के बाद, ये इंतकाल 1972 में हुआ था और आज उनकी पैदाइश का दिन है, 125वीं पैदाइश है। और हम लोगों से मुराद मेरा मगरी बंगाल मस्जिद से मुशावरत है, हमें इस मौके पर अपने बुजुर्ग को याद करना चाहिए, अपने कायदीन को याद करना चाहिए जिन्होंने हमने मिल्लत को आगे बढ़ाया, मिल्लत को एक नया राह दिखाया, मिल्लत को एक नया रास्ता दिखाया। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो फिर हमारे आने वाली नस्ल याद नहीं कर पाएगी। हमें उन्हें याद करना था, हमें अपनी नई नस्ल आने वाली नस्ल को बताना था कि मुल्ला जान कौन थे, अब मुल्ला जान ने हमारे मिल्लत की क्या खिदमत अंजाम दी है। आज आप जो बड़े बड़े अदारे देख रहे हैं, उन अदारों में कलकत्ता खिलाफत कमेटी, इस्लामिया हॉस्पिटल, मोहम्मद इंस्टीट्यूट, इन तमाम अदारों से मुल्ला जान मोहम्मद का गहरा ताल्लुक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मेहनत से अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है, अपना वक्त दिया है, अपने वक्त के साथ साथ लोगों के पास जा जाकर हाथ बढ़ाकर उस अदारों को तंदुरुस्त करने के लिए, खड़ा करने के लिए लोगों से पैसा लिया है। आज ये ऑल इंडिया मुस्लिम मस्जिद से मुशावरत के बानियों में से वो एक, और हमें याद रखना चाहिए जो हमने हमारी जो बानी है उनको याद न करें तो उनके साथ ना इंसाफी होगी। ये दिमाग में जहन में आया कि मुल्ला जान पर एक प्रोग्राम करना चाहिए और यह सबसे अच्छा मौका था जो आज 125वीं साल गिरा थी उनकी, इस मौके पर याद करें, उनको खराज अकीदत पेश करें, उससे मुशावरत का भी यही फायदा अदा हो जाएगा कि अपने बानी को याद किया है। सिर्फ वो अकेले थे, मगरी बंगाल के से इस शहर से वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुशावरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। नहीं लगता कि कौम मिल्लत को एक रहनुमा की जरूरत है? बिल्कुल, आज हिंदुस्तान में आज एक हमारे ऐसे कायद की जरूरत है जो हमारे मुस्लिम मुसलमान को लेकर के आगे बढ़ सके और उनका क़यादत कर सके। हमें बड़ा महसूस होता है इस कमी को कोई ना कोई जरूर पूरा करेगा। मजलिसे मुशावरात कैसे पूरे करेगी? मुस्लिम मुशावरात कोई एक फर्द का नाम नहीं है, मुस्लिम मुशावरात मुख्तलिफ अदारों का नुमाइंदगी करती है, तमाम अदारों के नुमाइंदे के जरिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि तमाम लोगों को साथ लेकर के मिल्लत के मसाइल को हल किया जा सके, उनको एक जगह ला सके, एक इशू पर समझौता करवा सके, एक इशू पर इत्तेफाक राय कायम कर सके ताकि वो मुसलमान के लिए मुफीद साबित हो। ऐसा है कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जनाब ख्वाजा यूसुफ जावेद साहब, ये हमेशा जो है कुछ न कुछ कोशिश करते हैं तलाश करने के लिए, और इनके दिमाग में ये आया कि ये 125वां साल होगा मुल्ला जान का, तो इसलिए जो ये बेहतर होगा कि मुल्ला जान के जो 13 तारीख का जो है ये उनका जो बर्थडे है उसी दिन जो है हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करें और इस प्रोग्राम में लोगों को बुलाएं, उनके बारे में बताएं ताकि लोग जो है जाने मुल्ला जान कौन थे, क्योंकि आस्ते आस्ते लोग मुल्ला जान को भूलना शुरू कर दिए या बहुत तक भूल गए, इसी मकसद के लिए इस प्रोग्राम को किया गया। देखिए, ये किताब के बारे में ऐसा था कि खिलाफत कमेटी बहुत दिन से सोच रही थी कि मुल्ला जान के ऊपर कोई किताब निकाला जाए, तो इसके बारे में मंसूर साहब काम कर रहे थे। मंसूर साहब को हम लोगों ने कहा कि आप काम के एक बड़ी किताब निकालने से पहले एक छोटी किताब निकाल दीजिए ताकि जो ये प्रोग्राम है उसमें हम लोगों को दे दें, और जो बड़ी किताब निकाल रहे हैं उसको लिया लो, बाद में हम लोग काम उसका इफ्तिताह करते इजरा करते। वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत हालिया बंगाल की ये एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन 2023 में के अवायल में ये फिर से इसकी तश्कील हुई और हम लोगों ने एक पहला प्रोग्राम 1 अक्टूबर
बिल्कुल, यह वायलेंस फ्री इंडिया द वे फॉरवर्ड सेंटेनरी हॉल में, सेंटेनरी हॉल में, आशुतोष सेंटेनरी हॉल में, उसके बाद फिर हम लोगों ने पैलेस्टीन के लिए जो एक एहतजाजी प्रोग्राम इसी ईरान सोसाइटी में किया, और आज अपने असलाफ के कारनामों को सामने लाने के लिए जिस तरह से तारीख को मिटाई जा रही है हिंदुस्तान में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने तारीख की हिफाजत खुद करें और इस तरह अपने असलाफ के कारनामों, जो ही वॉज अ कम्युनिटी लीडर, ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, ही वॉज अ विजनरी, और उन्होंने बहुत काम किया है, और इसलिए उनके जो काम हैं, कारनामे हैं, उनको सामने लाने के लिए और नौजवान नस्ल को उससे रोशनास करने के लिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम लिया आज सिंपोजियम ईरान सोसाइटी हॉल में, जिस पे लोगों ने लब्बैक कहा और कसी तादाद में शरीक हुए, और इंतहा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम ये रहा। जिस हिसाब से यहाँ पे किताब भी एक इजरा हुआ और मुशावरा था, इंदिरा जान मरहूम साहब ने भी इसका बुनियाद डाला था, मुस्लिम मजलिस ए मुशावरा के बानी मेंबरान में से वो मुल्ला जान मरहूम भी थे, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो उन्होंने न सिर्फ ये कि मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का क़याम किया, बल्कि इस्लामिया अस्पताल कलकत्ता, खिलाफत कमेटी कलकत्ता, मुस्लिम ऑर्फनेज, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, ये इन सब तमाम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कौम को ज़रूरत होती है, जो कौम को आगे की तरफ ले जाती है, उसका उन्होंने क़याम किया, इस्टेब्लिश किया, और मसलसल कोशिश करते रहे मिल्लत को अपने क़ार मुज़िल्लत से निकालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े काम किए।